कुसुम एक विधवा औरत थी जो अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है माँ, आप खाना लगाओ फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। ये सब क्या है माँ? ये इतनी सारी तस्वीरें इस प्लेट में क्या कर रही हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। माँ आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोतों का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। जब मैं सभी सहेलियों के साथ बैठती हूँ तो सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहू बुराई करने के लिए चाहिए? अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे पिता के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे पिता के पास चली जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। माँ तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से आंसू पोछो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये नहीं पता होता कि जो लड़की देखने में इतनी सुंदर है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है तो क्या हो गया? उसका तो रोज का काम है, अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूँ भला। और माँ जी जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान हुआ करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात, सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक ग्लास उठाकर भी नहीं रखती थी। इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओ मॉम, मैंने कितनी बार कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो, और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूं। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं तो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को ही चली जाती हूँ। डिस्को? पर वो तो माँ जी अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कि कैसी बहू की इच्छा की थी और कैसी बहू आई है, पर ये बात वो अपने बेटे से नहीं कह सकती थी। माँ जी शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना देना। कुसुम सबके लिए पूरी कचौड़ी हलवा खीर बना देती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी। पिंकी कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है, मैं तुम्हारी बातें सहन करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। माँ जी आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, और अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुसुम रसोई में जाती है और बाहुबली कचौड़ी बनाकर लाती है।
पिंकी की सारी सहेलियां यह देखने के लिए उतावली हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौड़ी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाते हैं और पिंकी बाहुबली कचौड़ी खानी शुरू करती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी हुई बाहुबली कचौड़ी। अब इसी पर तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात? ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौड़ी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है परंतु बाहुबली कचौड़ी नहीं खा पाती। पिंकी की सारी सहेलियां उसको प्रोत्साहित करती हैं पर पिंकी हार जाती है। अरे, ये कचौड़ी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौड़ी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपनी अटैची लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी हो। लक्ष्मी घर छोड़कर जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपकी प्रतियोगिता हार चुकी हूँ। ये प्रतियोगिता मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखी थी और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में आंसू लेकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौड़ी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है। उसमें से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौड़ी सच में लाजवाब है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौड़ी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौड़ी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूजा सही कह रही है, आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाएं, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। माँ, आपकी इस बाहुबली कचौड़ी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे अपनी माँ मिल गई है। मेरी माँ नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। आपसे मैंने माँ का प्यार पाया। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी। चंदनगढ़ में दो पड़ोसी थे, सुरेश और मुकेश। दोनों के खेत अगल बगल में थे। सुरेश की शादी नहीं हुई थी और वो अपनी माँ के साथ रहता था, और मुकेश के तो चार चार बच्चे थे। क्या हाल है मुकेश भाई? अब क्या बताऊं, इन शैतानों ने जीना हराम कर दिया है। पापा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो। अरे जा, अपनी माँ के पास जा। माँ बाजार गई है, आप खिला दो ना। अरे ये देख, दिन भर ये कर दो वो कर दो, मेरा तो जीना दुश्वार हो गया इन बच्चों से। अरे भैया, अब बच्चे को भूख लगी है तो खाना मांगेगा ही ना। ये ले छोटू, तू आम खा, तब तक तेरी माँ लौट आएगी। सुरेश के हाथ में आम देखकर मुकेश के तीनों बच्चे भी दौड़े चले आए। मुकेश ने सबको एक एक आम दे दिया। अरे सुरेश, तुम्हारे तो सारे आम खत्म हो गए। नहीं भैया, दो बचे हैं ना, एक मैं खा लूंगा और एक अम्मा खा लेंगी। अच्छी बात है। फिर सुरेश अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन फिर सुरेश बच्चों को आम देने आया। आज फिर आम? हाँ भैया, माँ को आम बहुत पसंद आए थे, कह रही थी कि और लाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा ही ले आया। ये लीजिए, आप और भाभी भी खाइए। धन्यवाद सुरेश। अब से अक्सर सुरेश बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करता था। वो देखकर मुकेश अपनी पत्नी को बोलने लगा, आखिर सुरेश के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? वो रोज हमारे बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छा खाना लाता है।
अब कोई दे रहा है तो उसमें भी तुम्हें परेशानी है? और वैसे भी सुरेश भैया के परिवार में है ही कौन, वो और उनकी अम्मा। हाँ तभी मैं सोचू, यहाँ तुम सबको खिलाते पिलाते मेरी नाक में दम आ गया है, और ये खुशी खुशी कैसे सब करता है? बड़े ही भले इंसान है वो, इसीलिए करते हैं। आप जैसे होते तो एक फूटी दमड़ी भी खर्च ना करते। मेरे पास होते ही कहाँ है खर्चा करने के लिए, वैसे सुरेश ने तो अच्छी खासी बचत की होगी ना। हाँ की तो होगी ही। अब ये बात मुकेश के दिमाग में घर कर गई। वो सोचने लगा कि सुरेश के पास कितना पैसा होगा। एक दिन शाम के समय मुकेश ने देखा कि सुरेश जंगल में कहीं जा रहा था। इस वक्त ये जंगल में क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, इसका पीछा करके देखता हूँ। मुकेश ने सुरेश का पीछा किया। सुरेश जंगल के बीचों बीच एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गया और यहाँ वहाँ देखने लगा। फिर सुरेश ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी खोदी और उसमें से एक घड़ा निकाला। घड़े के अंदर पैसे और गहने थे। सुरेश ने अपने झोले के पैसे और गहने भी उस घड़े में रख दिए और उस घड़े को वापस जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, मेरा धन सुरक्षित है। और फिर सुरेश उसी रास्ते वापस लौटने लगा। इतना सारा पैसा और गहने देखकर मुकेश के मन में लालच पनप चुका था। इतने सारे पैसे मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी, घर की मरम्मत हो जाएगी, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो जाएगा, और तो और मैं नया ट्रैक्टर भी ले पाऊंगा। और इसी सोच के साथ मुकेश ने वो घड़ा वापस खोदा और धन की मटकी बाहर निकाल ली। रात के अंधेरे में मुकेश वो घड़ा अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ये देखकर दंग रह गई। ये क्या गुप्त धन? अब इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना सब चले आएंगे पैसा मांगने। नहीं नहीं, मैं क्यों किसी को कुछ बताऊंगी। मुकेश की पत्नी ने उस घड़े में से सारे जेवर निकाल लिए और पहन लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल डायन, मना किया था ना, हमें ये सारे गहने तुड़वा कर नए बनाने होंगे, वरना जिसके ये हैं वो इसे पहचान लेगा। पर ये हैं किसके? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत से हमें मिल गए, अब ढिंढोरा मत पीटो, समझी? ठीक है ठीक है। अगले दिन से मुकेश ने घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसने नया ट्रैक्टर भी खरीद लिया और सारे गहने पिघलाकर नए बनवा लिए। एक महीने बाद सुरेश फिर से जंगल गया, पर इस बार जब उसने गड्ढा खोदा तो उसका घड़ा वहाँ नहीं था। मेरा घड़ा, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी की सारी कमाई लूट गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सुरेश निराश होकर गांव की ओर चलने लगा। वो गांव के कुएं के पास पहुंचा। मेरा सब कुछ लूट गया, मैं जी कर क्या करूंगा, मुझे तो मर जाना चाहिए। ये सोचकर सुरेश ने जैसे ही कुएं में कूदने की कोशिश की, उसके सामने एक अदृश्य दीवार आ गई। वो चाह कर भी मर नहीं सकता था। ये सब क्या हो रहा है? बस अपना धन खोने की वजह से तुम मरना चाहते हो सुरेश, ये गलत है। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी बूढ़ी माँ का क्या होगा? लेकिन अब मैं जी कर भी क्या करूँगा? जो अब तक करते आए हो, मेहनत करो, तुम्हारे हाथ में कुशलता है, तुम खेतों को सींच कर मोती निकाल सकते हो और धन वापस कमा सकते हो। उसमें तो कई साल लग जाएंगे। कोशिश तो करो, इस बार तुम्हें मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मर जाना ही सही है तो ये कुआं हमेशा खुला है। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुरेश अपने घर लौट गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा। अरे भाई सुरेश, सुबह से रात हो गई, घर नहीं जाना? थोड़ी देर में चला जाऊंगा, बस इतना जोत लूं। ठीक है, मैं चलता हूं भाई। मुकेश जानता था
कि सुरेश अपने धन को लेकर परेशान था, पर धन लौटाने का मुकेश का कोई इरादा नहीं था। लगभग 2 महीने बीत गए और अब सुरेश के खेतों में फसल दिखने लगी। इस बार उसके खेत सोने से चमक रहे थे। भाई ये क्या उगा रहे हो? खेत इतने चमक क्यों रहे हैं? बोए तो मैंने धान ही थे, पर मुझे भी लगता है कि ये सब कुछ अलग है। कोई बात नहीं, 1 महीने बाद कटाई करने पे समझेगा। हाँ हाँ। 1 महीने बाद सभी ने अपने खेतों की कटाई शुरू कर दी। सुरेश ने सारी फसल काट ली। जैसे ही उसने धान को झटका तो उसमें से हीरे मोती गिरने लगे। ये क्या? सुरेश की आवाज सुन मुकेश भी वहाँ पहुँचा और हीरे मोती देखकर वो भी दंग रह गया। ये तो हीरा जवाहरात है। हाँ। दोनों ने मिलकर सारे हीरे जवाहरात धान से अलग कर लिए। इतने सारे कीमती रत्न देखकर सुरेश बहुत खुश था। आज मैं बहुत खुश हूँ मुकेश भाई, कुछ हीरे मोती तुम भी ले जाओ। नहीं भाई, ये मैं नहीं ले सकता, मैं पहले ही तुमसे बहुत कुछ ले चुका हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी जिंदगी भर की बचत जो तुमने जंगल में गड्ढे में छुपाई थी वो मैंने चुराई थी। मैं चोर नहीं हूँ भाई, पर मेरी मजबूरी थी। घर की मरम्मत और ट्रैक्टर के लिए मैं सब तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी चोरी की वजह से मुझे ये सब मिला है। वो कैसे? जब मैंने देखा कि मेरा धन वहाँ नहीं था तो मैं निराश हो गया और कुएं की ओर मरने चला गया। फिर अचानक मेरे सामने एक जादुई दीवार बन गई। इस दीवार ने मुझे समझाया कि मरना इस समस्या का हल नहीं है और मुझे फिर से खेतों में फसल उगाने के लिए भी कहा। और शायद आज उसी जादुई दीवार की वजह से मेरे खेत में हीरे मोती उगे हैं। मुझे माफ कर दो सुरेश भाई, मैं लालची हो गया था। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है यही बहुत है। और ये हीरे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे उन 4 नटखट बच्चों के भविष्य के लिए दे रहा हूँ। इन्हें संभाल कर रखना। धन्यवाद, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुकेश ने सुरेश को गले लगा लिया और फिर वो मुट्ठी भर हीरे लेकर अपने घर चला गया। सुरेश बहुत अमीर हो गया, उसने बंगला बना लिया और फिर जल्द ही शादी कर ली और खुशहाल जीवन जीने लगा।